बल्कि आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर आपका इंटरनेट, आपका जीपीएस अचानक से बंद हो जाए, आप किसी को कॉल ना कर पाओ और टीवी में सिग्नल आना बंद हो जाए, और ये वीडियो आपकी जिंदगी की आखिरी वीडियो हो जो आप देख रहे हैं, और सबसे बुरा एक बड़ा सा उल्कापिंड जो पृथ्वी से टकराने वाला है उसके बारे में हमें पता ही ना हो। अभी बिल्कुल भी मजाक नहीं है, क्योंकि आने वाले 10 या 20 सालों में ये होने वाला है। इसको एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, वो है स्पेस पॉल्यूशन, क्योंकि पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में हमने इतना कूड़ा जमा कर लिया है कि अब सैटेलाइट्स आपस में टकराने लगी हैं। तो इन सब चीजों की शुरुआत रशिया से हुई, जब उसने स्पुटनिक 1 को 1957 में अंतरिक्ष में भेजा। फिर तो अंतरिक्ष में जाने की रेस ही लग गई। अमेरिका कई रॉकेट चांद पे लेके गया और हमारे सौरमंडल के बाहर तक भी भेज दिए, पर ये इतना भी आसान काम नहीं था, क्योंकि किसी भी चीज को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बहुत ताकत चाहिए। इसलिए रॉकेट को ऐसे बनाया जाता है कि वो फ्यूल खत्म होने के बाद रॉकेट से अलग हो जाए। तो वो कूड़ा हमेशा लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही रहा और वो कूड़ा कभी साफ ही नहीं हुआ। और सिर्फ यही नहीं है, बंद हो चुकी सैटेलाइट्स भी पृथ्वी का चक्कर कई बार लगाती हैं। तो जब देखा गया कि वहाँ कितना कूड़ा जमा हो चुका है, तो 2000 तो वर्किंग सैटेलाइट्स हैं, 3000 डेड सैटेलाइट हैं, 34000 ऐसे पीसेस हैं जो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े हैं और 12.8 करोड़ 1 मिलीमीटर से ज्यादा बड़े हैं। इनमें नट बोल्ट, पेंट के टुकड़े, स्क्रू ड्राइवर, पेन, गार्बेज बैग, यहाँ तक स्पैचुला भी वहाँ घूम रहा है। उसी के साथ साथ 1 अरब ऐसी चीजें हैं जो इतनी छोटी हैं कि उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता, और ये सब 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जो कि गोली से भी ज्यादा तेज है। सोचिए अगर आप अपने खून पसीने की कमाई लगा के स्पेस को देखने गए और स्पेस वॉक के दौरान आप एक मटर के दाने से भी छोटी चीज से टकरा गए, तो आपका तो गेम ओवर। तो इतना खतरनाक है ये कूड़ा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इंसान समझदार होने के साथ साथ बहुत बड़े बेवकूफ भी हैं, क्योंकि हम सैटेलाइट और रॉकेट को भेजते रहे और किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उस कूड़े का क्या होगा, और हम पहले ही खतरे की लिमिट को पार कर चुके हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इस बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा है ग्राउंड लेवल में। अपनी रिसर्च में बस मुझे ESA से ही उम्मीद मिली, तो हालात बहुत बदतर हैं, और अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मेरी ऊपर की कई बातें सच साबित होंगी। तो इस चीज का पता हमें तब लगा जब रशिया की बंद सैटेलाइट कॉस्मो 2251 अमेरिका की सैटेलाइट लिडम 33 से 2009 में टकराई, और ये 3 से 4 सैटेलाइट्स के साथ हर साल हो रहा है। अब दिक्कत इन छोटे मोटे पीसेस के साथ नहीं है, क्योंकि 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में एक ट्रेंड चल रहा है, आओ भिड़ो और चलो। खराब सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से भिड़ी और चली गई, तो इससे उस एक्सीडेंट के छोटे मोटे पीसेस ने दूसरे सैटेलाइट को तबाह करना शुरू कर दिया। तो एक चेन रिएक्शन बनता जा रहा है, इससे आपको समझ आएगा। पर अंतरिक्ष बहुत ज्यादा खाली है, तो पहले इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं बहुत देर हो चुकी है, तो पहले साल में 2 सैटेलाइट बर्बाद हो जाएंगी जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, दूसरे साल में वो 5 हो जाएंगी, और तीसरे साल में 50, चौथे साल में 500, और फिर इतना कि कुछ भी ऊपर काम का नहीं रहेगा। तो ये सब हमारे लिए एक जेल बना देगा, जहां हम हमेशा के लिए इस पृथ्वी में कैद होके रह जाएंगे। तो जो लोग मार्स या फिर चांद में जाने का सपना देख रहे हैं, हमें उन्हें कई सदियों के लिए टालना होगा, और हम अपने खरबों की सैटेलाइट्स को भी उस खतरे में नहीं भेज सकते। पर अब धीरे धीरे हालात बेहतर हो रहे हैं, हर कंपनी आजकल रियूजेबल रॉकेट में आ रही है, और धीरे धीरे इस खतरे को साइंटिस्ट समझ रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए कई उपाय ढूंढे जा रहे हैं। तो पहला, वो आपके मन में भी आया होगा कि उस सैटेलाइट्स को नेट से पकड़ लो। तो जो सैटेलाइट थोड़ी छोटी होंगी उन्हें नेट से पकड़ कर वापस पृथ्वी में लाया जाए, और जो थोड़ी बड़ी सैटेलाइट है उनको हार्पून से पकड़ के लाया जाए। पर इसमें जापान की एक कंपनी जैक्सा ने इलेक्ट्रोडायनामिक थेटर बनाया है, जिसे EDT कहते हैं। तो ये 2300 फीट लंबी केबल होगी जो इन सारे कूड़े को एक एक करके पृथ्वी में भेजता रहेगा, और बहुत छोटी चीजों के लिए हम लेजर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो भी हमें करना है, हमें वो जल्दी करना होगा, क्योंकि मैं यार कहीं भी उस बड़ा सा मैप पकड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, और उन 1 अरब गोलियों को हमें 1 खरब बनने से रोकना होगा। तो आपके पास है इसका कोई सॉल्यूशन? हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं, तो उस लाइक और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं, एज इससे हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। और जब आपने इतना ही कर दिया है, तो आप बेल आइकन को भी छोड़ रहे हैं, उसे भी दबा दीजिए। सो इन द एंड टेक केयर, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।